स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए शिकागो व्याख्यान के 125 वर्ष पूरे होने और सिस्टर निवेदित के 150वीं जन्म शताब्दी पर विश्व भर में स्वामी विवेकानंद का एकल नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के ऑडिटोरियम में गुरुवार को स्वामी विवेकानंद पर एक नाटक का मंचन किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद के रूप में पुणे के प्रसिद्ध कलाकार दामोदर दास रामदास जी के द्वारा अभिनय किया गया। इस मंचन में स्वामी विवेकानंद के विचारों और उनके संदेशों को दर्शकों के बीच रखा गया, जिसे देखकर सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद के मंचन को देखने स्कूली छात्र छात्राओं के साथ उनके पालकगण भी मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजन समिति ने स्वामी जी के विचार को अंगीकृत करने की बात कही, ताकि देश सहित प्रदेश में शांति सद्भावना बनी रहे। 12 जनवरी 1863 को मेरा जन्म हुआ था और मेरा नाम रखा गया था वीरेश्वर। सब लोग मुझे बीले बीले कहकर पुकारते थे। मेरा और एक नाम था नरेंद्रनाथ। मेरे बाद मेरी दो बहनों ने जन्म दिया, किरण बाला, योगेंद्र बाला, फिर महेंद्रनाथ, और सबसे छोटा था उपेंद्रनाथ। मेरे दोनों भाई अविवाहित रहे। महेंद्र साहित्यकार हुआ तो भूपेंद्र क्रांतिकारक हुआ। हमारे पिताजी विश्वनाथ दत्त प्रसिद्ध वकील थे, कोलकाता हाईकोर्ट के अटॉर्नी थे। अपने मित्रों पर बहुत सारा खर्चा करते थे, दान धर्म करते थे। हमारी माता भुवनेश्वरी देवी, मातृशक्ति का आविष्कार। संसार के सारे सुखों को उन्होंने अनुभव किया और दुखों को सहजता को सहन भी किया था। असाधारण धारणा शक्ति वाली माता हमें मिली थी। अपने विचार प्रगल्भ होने चाहिए। विचारों को दूसरों के सामने रखते हुए स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर उसका उपयोग प्रगल्भता के साथ करो। मेरे बाबा ने मुझे यही बताया था। दर्शन शास्त्र के साथ मनोविज्ञान लेने के लिए उन्होंने मुझे सलाह दी थी। दक्षिणेश्वर के ठाकुर राम कृष्ण परमहंस, इन्होंने ईश्वर को देखा है। जाओ उनके पास, जाओ मैं देखो, वहां को पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। ठाकुर राम कृष्ण परमहंस, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा था, पर इन्हें मिलने का अवसर मुझे जल्द ही मिला। मेरे घर के पास सुरेंद्रनाथ मित्र के घर भजन गाने के लिए मुझे बुलाया गया था। वहां पर ये परमहंस जी और उनके सारे भक्त लोग आने वाले थे। ठाकुर राम कृष्ण परमहंस, चेहरे पर पड़ती दाढ़ी और किसी शून्य में लगाई टकटकी खोई हुई नजर, मैंने तो सुना ही अनपढ़ है, गवार है। ऐसे अनपढ़ गवार व्यक्ति को ये ईश्वर दर्शन, ये समाधि की अवस्थाएं कैसे प्राप्त हो सकती है? स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो व्याख्यान के 125वें वर्षगांठ एवं भगिनी निवेदिता जी के जन्म के 150वें वर्षगांठ के अवसर पर यह पूरे विश्व भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी के क्रम में यहां पर रायपुर शाखा द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और संदेशों पर आधारित एकल नाटक का आयोजन किया गया है। पुणे के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं दामोदर प्रकाश रामदास जी, जिसमें वो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से लेकर महासमाधि तक का अभिनय करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।